बढ़ती कीमतों के बीच पटना में प्याज की चोरी हुई है। तो चोरों ने 8.5 लाख की प्याज चोरी की है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि जहां प्याज की कीमतें आसमान छू रही है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 8 किलो प्याज की चोरी हुई है। पटना से ये खबर है जहां पर बढ़ती कीमतों के बीच चोरों ने 8.5 लाख की जो प्याज है वो चोरी की है और पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जहां एक तरफ प्याज ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं, जेबें ढीली हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब चोरों ने प्याज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 8.5 लाख किलो की जो प्याज है वो चुराई गई है और अब पीड़ित व्यापारी की तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई है और अब जांच की जा रही है। तो वहीं इस पर पीड़ित व्यापारी का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। 6 बजे मतलब गद्दी खोलने गए, मेरा ताला टूटा हुआ था, तो अंदर हेले तो देखें कि ऊपर वाला भी गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर फन गए तो देखें कि गोदरेज दोनों गोदरेज का ताला टूटा हुआ है, देखें तो उसमें पैसा भी नहीं है। उसके बाद देखें कि मेरा पैकेट भी वहां से उठा हुआ है, पिछला गेट भी ताला भी टूटा हुआ है। पूरा हम लोग का तहस नहस करके सब सारा सामान ले लिया। 8,25,000 के प्याज उठाया है, 1,73,000 रुपया नगद कैश था, उसमें 23,000 का सिक्का था और 3 गो पंसौवा का गड्डी था, 1.5 लाख रुपया।